आज भी इस दुनिया में ऐसे करोड़ों करोड़ों लोग हैं जो प्रभु यीशु के बारे में, प्रभु यीशु के सुसमाचार को आज तक नहीं सुने। हम उन सबों के लिए आज विशेष प्रार्थना करेंगे, क्योंकि पिता चाहते हैं कि हर व्यक्ति मुक्ति प्राप्त करे, हर व्यक्ति स्वर्ग राज्य में प्रवेश पाए। तो उनके लिए हमें प्रार्थना करता रहना बहुत जरूरी है। इसलिए आइए हम पिता के पास उन सभी लोगों को ले आए जो आज तक सुसमाचार नहीं सुने हैं। आइए हम अपने आप को तैयार करें, अपनी आंखें बंद कर लीजिए, अपने आप को पिता की उपस्थिति में रखिए। इस सत्य को अपने ध्यान में लाइए कि हम पिता की उपस्थिति में हैं, पिता हमारे सामने उपस्थित हैं, हम उनसे मांग करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए यहाँ एकत्रित हैं। विशेष रूप से प्रभु येसु के दुखभोग, मृत्यु और उनके लहू लेकर हम पिता से दया की मांग करने के लिए एकत्रित हैं, उनसे प्रार्थना करने के लिए। आप अपने हाथों में प्रभु येसु के संपूर्ण जीवन, विशेष रूप से उनके दुखभोग, मृत्यु और उनके लहू को अपने हाथों में लीजिए। इसके बदले में हम पिता से दया की मांग करेंगे, विशेष रूप से जितने भी लोग आज तक सुसमाचार नहीं सुने हैं उनके लिए प्रार्थना करेंगे। आइए हम शुरू करें। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। हे परम दयालु पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं तेरे पुत्र हमारे मुक्तिदाता प्रभु येसु क्रिस्त के लिए। उनके द्वारा तू हम पर अपनी योजना प्रकट किया और तू चाहता है कि हर व्यक्ति मुक्ति प्राप्त करे। हाँ पिताजी, इसलिए हम तुझसे विनती करते हैं, जितने भी लोग आज तक सुसमाचार नहीं सुने हैं, जिन्हें अवसर नहीं मिला है, उन सबों को अविशेष अनुग्रह प्रदान कर, उनके पास प्रचारकों को भेज, उन्हें भी सुसमाचार सुनने का अवसर प्रदान कर, ताकि वे तेरे सुसमाचार को सुनने के द्वारा वे विश्वास कर सके और विश्वास के द्वारा मुक्ति प्राप्त कर सके। हे प्यारे पिता, इसके साथ साथ यहाँ उपस्थित तेरे इन सभी संतानों को तेरे पावन चरणों में रखते हैं, इनकी व्यक्तिगत प्रार्थनाओं को भी सुनने की कृपा कर। ये सब अपनी मांगे तेरे चरणों में रखे हैं, उन सबको सुनने और पूरा करने की भी कृपा कर। साथ ही जितने भी लोग आज तक सुसमाचार सुने हैं लेकिन दृढ़ विश्वास नहीं कर पा रहे हैं, उन्हें भी विश्वास का वरदान प्रदान करने की कृपा कर। सभी संतों, स्वर्गदूतों, हमारे लिए और हमारे साथ मिलकर प्रार्थना करिए। हमें प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रारंभिक प्रार्थना। हे अति मधुर येसु, तू मर गया लेकिन पुनर्जीवित होकर आत्माओं के लिए जीवन का स्रोत बन गया, और तुझसे सारी दुनिया के लिए दया का सागर उमड़ पड़ा। हे जीवन का स्रोत, अतः ईश्वरीय दया सारी दुनिया को अपनी करुणा से ढक ले और हमारे लिए अपने को अर्पित कर दे। प्रभु येसु के पावन हृदय से हमारे लिए दया के स्रोत के रूप में बह निकला रक्त और जल, मैं तुझ पर भरोसा रखता हूँ। प्रभु येसु के पावन हृदय से हमारे लिए दया के स्रोत के रूप में बह निकला रक्त और जल, मैं तुझ पर भरोसा रखता हूँ। प्रभु येसु के पावन हृदय से हमारे लिए दया के स्रोत के रूप में बह निकला रक्त और जल, मैं तुझ पर भरोसा रखता हूँ। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा, आमीन। प्रणाम मरियम, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल येसु। हे संत मरियम, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मृत्यु के समय, आमीन। प्रेरितिक धर्मसार। मैं स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर और उसके इकलौते पुत्र अपने प्रभु येसु क्रिस्त में विश्वास करता हूँ, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आया, कुमारी मरियम से जन्मा, पोंतियुस पिलातुस के समय दुख होगा, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और दफनाया गया, वह अधोलोक में उतरा और तीसरे दिन मृतकों में से फिर जी उठा,
वह स्वर्ग में आरोहित हुआ और सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर के दाहिने विराजमान है। वहाँ से वह दूतों और मृतकों का न्याय करने आएगा। मैं पवित्र आत्मा, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों की सहभागिता, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन में विश्वास करता हूँ। आमीन। हे शाश्वत पिता, हमारे और सारी दुनिया के पापों के प्रायश्चित के लिए तेरे परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के पावन शरीर और रक्त, आत्मा और ईश्वरीय दा को मैं तुझे चढ़ाता हूँ। प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे अब्बा पिता, हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे अब्बा पिता, हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे अब्बा पिता, हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे अब्बा पिता, हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे अब्बा पिता, हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे अब्बा पिता, हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे अब्बा पिता, हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे अब्बा पिता, हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे अब्बा पिता, हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे अब्बा पिता, हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। हे पावन ईश्वर, हे पावन सर्वशक्तिमान, हे पावन अमर ईश्वर, हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। हे पावन ईश्वर, हे पावन सर्वशक्तिमान, हे पावन अमर ईश्वर, हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। हे पावन ईश्वर, हे पावन सर्वशक्तिमान, हे पावन अमर ईश्वर, हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। हे शाश्वत पिता, हमारे और सारी दुनिया के पापों के प्रायश्चित के लिए तेरे परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के पावन शरीर और रक्त, आत्मा और ईश्वरीयता को मैं तुझे चढ़ाता हूँ। प्रभु यीशु क्रिस्त के दुखों और क्रूस मरण के कारण हे अब्बा पिता, हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु क्रिस्त के दुखों और क्रूस मरण के कारण हे अब्बा पिता, हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु क्रिस्त के दुखों और क्रूस मरण के कारण हे अब्बा पिता, हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु क्रिस्त के दुखों और क्रूस मरण के कारण हे अब्बा पिता, हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु क्रिस्त के दुखों और क्रूस मरण के कारण हे अब्बा पिता, हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु क्रिस्त के दुखों और क्रूस मरण के कारण हे अब्बा पिता, हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु क्रिस्त के दुखों और क्रूस मरण के कारण हे अब्बा पिता, हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु क्रिस्त के दुखों और क्रूस मरण के कारण हे अब्बा पिता, हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु क्रिस्त के दुखों और क्रूस मरण के कारण हे अब्बा पिता, हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु क्रिस्त के दुखों और क्रूस मरण के कारण हे अब्बा पिता, हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। हे पावन ईश्वर, हे पावन सर्वशक्तिमान, हे पावन अमर ईश्वर, हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। हे पावन ईश्वर, हे पावन सर्वशक्तिमान, हे पावन अमर ईश्वर, हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। हे पावन ईश्वर, हे पावन सर्वशक्तिमान, हे पावन अमर ईश्वर, हम पर और सारी दुनिया पर दया कर।
हे शाश्वत पिता, हमारे और सारी दुनिया के पापों के प्रायश्चित के लिए तेरे परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के पावन शरीर और रक्त आत्मा और ईश्वरीयता को मैं तुझे चढ़ाता हूँ। प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे अब्बा पिता, हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे अब्बा पिता, हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे अब्बा पिता, हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे अब्बा पिता, हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे अब्बा पिता, हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे अब्बा पिता, हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे अब्बा पिता, हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे अब्बा पिता, हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे अब्बा पिता, हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे अब्बा पिता, हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। हे पावन ईश्वर, हे पावन सर्वशक्तिमान, हे पावन अमर ईश्वर, हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। हे पावन ईश्वर, हे पावन सर्वशक्तिमान, हे पावन अमर ईश्वर, हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। हे पावन ईश्वर, हे पावन सर्वशक्तिमान, हे पावन अमर ईश्वर, हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। हे शाश्वत पिता, हमारे और सारी दुनिया के पापों के प्रायश्चित के लिए तेरे परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के पावन शरीर और रक्त आत्मा और ईश्वरीयता को मैं तुझे चढ़ाता हूँ। प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे अब्बा पिता, हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे अब्बा पिता, हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे अब्बा पिता, हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे अब्बा पिता, हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे अब्बा पिता, हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे अब्बा पिता, हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे अब्बा पिता, हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे अब्बा पिता, हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे अब्बा पिता, हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे अब्बा पिता, हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। हे पावन ईश्वर, हे पावन सर्वशक्तिमान, हे पावन अमर ईश्वर, हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। हे पावन ईश्वर, हे पावन सर्वशक्तिमान, हे पावन अमर ईश्वर, हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। हे पावन ईश्वर, हे पावन सर्वशक्तिमान, हे पावन अमर ईश्वर, हम पर और सारी दुनिया पर दया कर।
हे शाश्वत पिता, हमारे और सारी दुनिया के पापों के प्रायश्चित के लिए तेरे परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के पावन शरीर और रक्त आत्मा और ईश्वरीयता को मैं तुझे चढ़ाता हूँ। प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे अब्बा पिता, हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे अब्बा पिता, हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे अब्बा पिता, हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे अब्बा पिता, हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे अब्बा पिता, हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे अब्बा पिता, हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे अब्बा पिता, हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे अब्बा पिता, हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे अब्बा पिता, हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे अब्बा पिता, हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। हे पावन ईश्वर, हे पावन सर्वशक्तिमान, हे पावन अमर ईश्वर, हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। हे पावन ईश्वर, हे पावन सर्वशक्तिमान, हे पावन अमर ईश्वर, हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। हे पावन ईश्वर, हे पावन सर्वशक्तिमान, हे पावन अमर ईश्वर, हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। करुणा के लिए प्रार्थना। हे प्रभु ईश्वर, हमारी रक्षा कर, आपके पुत्र पुत्रियों पर करुणा कर। हम और हमारे माँ बाप, भाई बहनों, हमारे अधिकारियों और नेताओं के द्वारा जो भी पाप, अधर्म और अपराध हुए हैं, उन्हें क्षमा कर दे, हमें दंड ला दे, हमारे कर्ज माफ कर दे। हे करुणा सागर प्रभु, अपने पावन लहू से हमें, हमारे परिवारों और हमारे सब दुखों का अभिषेक कर। तू हमें अपना बनाकर तेरे पवित्र आत्मा द्वारा संचालित कर। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा का आशीर्वाद आप लोगों पर उतरे और सदा बना रहे। आमीन।